साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर है। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, हमारी कला संस्कृति तो हो चुकी है कंप्लीट दोस्तों, उसके अंदर संत संप्रदाय बाकी सब चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। और प्यारे मित्रों, अब राजस्थान हिस्ट्री को भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप बहुत कम संख्या में जुड़ते दोस्तों, और आप जो देखते हैं वही लाइक नहीं करते हो। प्यारे मित्रों लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और व्यू नहीं आएंगे तो फिर दोस्तों मैं पढ़ूंगा नहीं यूट्यूब पे, ओनली लाइव क्लास चलाऊंगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, शेयर करो ताकि मैं सब सिलेबस आपको फटाफट करवा दूं। देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, अब जो कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम उतार नहीं सकते, उतारने में भी टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट जो मेरे नोट्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, 30 रुपये के अंदर पूरी कला संस्कृति कंप्लीट मिल जाएंगे, राजस्थान इतिहास आपको कंप्लीट मिल जाएगी 30 रुपये के अंदर। अरे प्यारे मित्रों, आप आसानी से बिल्कुल यानी ले सकते हो दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मुझे इन नंबरों पर, ठीक है, इतने कम प्राइस में। बाकी आप बुक लेके आओगे मार्केट में दोस्तों, जाके बुक मिलाना दोस्तों आप सभी, देखिएगा जो बुक की प्राइस है आपको पता है दोस्तों, 250 या 300 बुक की प्राइस है, और अपने 30-30, 60-60 रुपये में आप डायरेक्ट नोट्स मिल रहे हैं आपको। और बुक लेके आओगे उसमें क्या नोट्स हैं, क्या आप पूरी बुक को पढ़ेंगे ना तो आप समझ में आएगा दोस्तों, आप नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको बुक में से, ठीक है। तो बुक में ना तो नोट्स बना पाएंगे, कचरा दे रखा है, मैं डायरेक्ट आपको नोट्स बता रहा हूँ दोस्तों, माखन दे रहा हूँ डायरेक्ट माखन, उसको आप माखन को ले नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं। बाकी मैं यूट्यूब पर भी करवा रहा हूँ, आप साथ में चाहो तो नोट्स बना सकते हो, तो नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं, आज हमारा चैप्टर रहने वाला दोस्तों राजस्थान की महिलाएं। क्या रहने वाला दोस्तों? राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं। एक ही वीडियो में कंप्लीट है ये टॉपिक, ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रमुख महिलाएं सभी कंप्लीट महिलाएं रहने वाली हैं। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है रुखमा देवी। अब आपको ये पता होना चाहिए रुखमा देवी, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि देखिएगा, और ये कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? तो ये बीकानेर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? पर्सन पूछे कि ये कहाँ की रहने वाली है दोस्तों, तो ये बीकानेर की है। ये आपको याद रखना है, इनका जो संबंध है, पर्सन ऐसे भी पूछा जाएगा कि रुखमा देवी का संबंध किससे है, बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, तो बीकानेर से इनका संबंध है। उसी प्रकार से देखो अल्लाह जिला बाई, देखिएगा अल्लाह जिला बाई आपके सामने दे रखा है, अल्लाह जिला बाई, ये दोस्तों ये प्रसिद्ध मांड गायिका है। अगर प्रश्न पूछे कि प्रसिद्ध मांड गायिका के नाम से जाने जाते हैं प्रसिद्ध मांड गायिका, तो मांड गायिका कौन है दोस्तों? प्रसिद्ध मांड गायिका वो है आपके अल्लाह जिला बाई। और इनका संबंध किस कहाँ से है? इनका संबंध भी बीकानेर से है। ये प्रश्न आपको याद रहना दोस्तों, ठीक है, याद रखे दोस्तों, अल्लाह जिला बाई प्रसिद्ध मांड गायिका है। लेकिन देखो एक अल्लाह जिला में प्रसिद्ध मांड गायिका है ये गौरी देवी, ये भी आपके बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका है, ठीक है, बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका, बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका। तो दो है आपके सामने, एक तो होगी आपके अल्लाह जिला बाई होगी, ठीक है, एक तो अल्लाह जिला बाई होगी और एक आपके गौरी बाई होगी, दोनों आप याद रखना अच्छे से इस प्रश्न को। चलो देखो काली बाई, काली बाई के बारे में कौन नहीं जानते दोस्तों? ये काली बाई याद रखेंगे आप सभी, ये आपके रास्तापाल, देखिएगा कई बार पूछा गया है, तो रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी दोस्तों, ठीक है, और ये भील लड़की थी काली बाई, ठीक है, याद रखेंगे। इनके गुरु का नाम था सांगा भील, जो क्या है कि दोस्तों पुलिस जो है अपनी गाड़ी के पीछे यानी घसीटते हुए ले जा रही थी सांगा भील को, तो इनके गुरु जी थे, तो काली बाई खेत में काम कर रही थी और जो दांतली थी उसको फेंके दोस्तों और वो रस्सी कट जाती है, तो फिर पुलिस जो है दोस्तों पुलिस इस काली बाई पर गोलियां की बारिश कर देते हैं, यानी 19 जून 1947 को दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये इनका संबंध काली बाई का संबंध डूंगरपुर से है, रास्तापाल से, ठीक है, ये चारों आप याद रखें। नेक्स्ट आगे है खेतू बाई। प्यारे मित्रों खेतू बाई का संबंध देखो, प्रश्न याद रखेंगे आप सभी, खेतू बाई, खेतू बाई की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1944 में, ठीक है, 1944 में चूरू के अंदर, कहाँ दोस्तों? चूरू के अंदर, याद रखेंगे 1944 में चूरू में दुधवा खारा एक किसान आंदोलन हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है दुधवा खारा, याद रखेंगे दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व, दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दुधवा खारा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है, आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई आपके खेतू बाई ने, ये प्रश्न आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों खेतू बाई की बात करें, 1944 में चूरू में दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक है मेघाराम बेदी, आप याद रखेंगे दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक है, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे मेघाराम बेदी। कौन थे संस्थापक? संस्थापक थे प्यारे मित्रों मेघाराम बेदी। तो मेघाराम बेदी की अगर पूछा जाए कि मेघाराम बेदी की बहन, तो मेघाराम बेदी की क्या थी दोस्तों? ये बहन थी खेतू बाई। तो मेघाराम बेदी की आप याद रखेंगे दोस्तों बहन थी, ठीक है।
सरस्वती बोहरा, याद रखे दोस्तों 1942 की बात है, 1942 में, ठीक है, 1942 में आपको याद रखना है भरतपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 1942 में भरतपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व करने वाली, ठीक है, होने वाले आंदोलन के दौरान होने वाले जुलूसों में, ठीक है, 1942 में भरतपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाले जुलूसों में, जुलूसों में महिलाओं का नेतृत्व, जुलूसों में महिलाओं का नेतृत्व, तो महिलाओं का जो नेतृत्व किया था, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, सरस्वती बोहरा ने। यह प्रश्न भी आप याद कर लेना। आगे है उत्तमा देवी। देखो उत्तमा देवी ने तो उफान मचा दिया, क्या मचा दिया, उफान। तो तेजस्वी भाषण देने वाली महिला, अगर प्रश्न पूछे कि तेजस्वी भाषण देने वाली महिला, तेजस्वी भाषण देने वाली महिला, तो तेजस्वी भाषण देने वाली जो महिला थी, तेजस्वी भाषण देने वाली महिला वो थी आपके उत्तमा देवी। ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरी देवी। कैसे किशोरी देवी, कैसे कठरतल सम्मेलन, देखिएगा एक सम्मेलन होता है आपके सामने, कठरतल सम्मेलन याद रखेंगे, कठरतल सम्मेलन, कठरतल जो सम्मेलन है आपके सीकर में होता है, कहाँ होता है दोस्तों, कठरतल सम्मेलन सीकर में होता है, कब होता है दोस्तों ये सम्मेलन, 25 अप्रैल 1934 को। तो कठरतल सम्मेलन की क्या की थी इन्होंने, अध्यक्षता की थी, क्या की थी दोस्तों इन्होंने, अध्यक्षता। तो याद रखे दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा कि कठरतल सम्मेलन की अध्यक्षता किस महिला ने की, तो आपके किशोरी देवी ने, और 10,000 महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व भी किया था, 10,000 महिलाओं का, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व, ठीक है, महिलाओं का क्या किया था, नेतृत्व किया था, बस ये पॉइंट आप याद रखना। ये थी किशोरी देवी, बिल्कुल दो दो बातें दोस्तों इनसे संबंधित आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपके सामने शांता त्रिवेदी, शांता त्रिवेदी। तो शांता त्रिवेदी में आपको याद रखना दोस्तों, देखिएगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों 1900 कब की बात है, 1947 की बात है, 1947 में उदयपुर के अंदर, याद रखेंगे दोस्तों 1947 में उदयपुर में, उदयपुर में महिलाओं के, प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी को कि 1947 में उदयपुर में महिलाओं के समुचित विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, विकास के लिए राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा आप सभी को कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी, राजस्थान, राजस्थान महिला परिषद, तो राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना है वो आपके किसने की थी दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी ने 1947 में उदयपुर में महिलाओं के समुचित विकास के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी, ये प्रश्न आपके बनता है। उसी प्रकार से झलकारी बाई, देखो झलकारी बाई ने झलको दिखा दियो दोस्तों, क्या दिखा दियो, उन्हें झलको दिखा दियो, जैसे झलकारी बाई, जैसा आपको याद ना, झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है दोस्तों, झांसी यूपी की रहने वाली है झलकारी बाई। अब झांसी की कौन रहने वाली थी, रानी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई का, याद रखेंगे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके, रानी लक्ष्मीबाई का क्या किया, वेश धारण करके 1857 की क्रांति के दौरान, रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके लाडनू, कहाँ पड़ता है लाडनू, नागौर के अंदर, लाडनू नागौर में, लाडनू नागौर में अंग्रेजी सेना को परास्त किया, किस सेना को, अंग्रेजी सेना को, अंग्रेजी सेना को परास्त किया, सेना को परास्त किया, तो यह प्रश्न भी आप याद रखेंगे दोस्तों, परास्त किया, किसने किया दोस्तों, झलकारी बाई ने, कब किया, किस 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है 1857 की क्रांति के दौरान क्या किया इन्होंने, अंग्रेजी सेना को परास्त किया रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके, कौन, झलकारी बाई, कहाँ की रहने वाली, झांसी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट और आपको क्या याद रखना, आगे देखो कमला देवी, कई बार प्रश्न पूछा गया कमला देवी से संबंधित, प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार, राजस्थान की, याद रखेंगे आप सभी, राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार, राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन है, तो राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार दोस्तों याद रखेंगे कौन है, कमला देवी। और याद रखना एक प्रश्न ये भी बढ़ता है कि अजमेर से, ठीक है अजमेर से प्रकाशित होने वाले, अजमेर से प्रकाशित होने वाले, अजमेर से प्रकाशित होने वाले प्रकाश नामक समाचार पत्र का लेखनकारी, ठीक है अजमेर से प्रकाशित होने वाले प्रकाश नामक
समाचार पत्र नामक समाचार पत्र का लेखन कार्य किया। ठीक है, अजमेर से प्रकाशित होने वाले प्रकाश समाचार पत्र का लेखन कार्य किसने किया था? लेखन कार्य किया कमला देवी ने। कई बार पूछा गया है राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन है, तो कमला देवी। और अजमेर से प्रकाशित होने वाले प्रकाश समाचार पत्र का लेखन कार्य किसने किया था? कमला देवी। और आगे देखिएगा, मणिबेन पांड्या, ये वही मणिबेन पांड्या हैं जिन्हें कहते हैं दोस्तों वागड़ की बहन। कई बार प्रश्न है पूछा गया वागड़ की बहन के नाम से, वागड़ की बहन कहते हैं, वागड़ की बहन किसे कहा जाता है? तो वागड़ की बहन कहते हैं मणिबेन पांड्या को। और इनके पति का जो नाम है, पति का नाम है भोगीलाल पांड्या। क्या दोस्तों? पति का नाम है भोगीलाल पांड्या। ये वही भोगीलाल पांड्या है जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वागड़ का गांधी। तो प्यारे में तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वागड़ की बहन किसे कहते हैं, वागड़ की बहन। तो वागड़ की बहन तो आपके इसको कहते हैं दोस्तों मणि के आगे। तो ये है आपके सामने आगे देखिएगा श्रीमती दुर्गा देवी। प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी को, याद रखना, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। अब जो पढ़ेगा दोस्तों फिर आगे अच्छे से उनका सिलेक्शन पक्का है। देखो श्रीमती दुर्गा देवी, तो इसमें आपको याद रखना है इनके पति का नाम क्या है। तो पति का नाम है पंडित ताड़केश्वर शर्मा। कौन है दोस्तों? पंडित ताड़केश्वर, याद रखेंगे, पंडित ताड़केश्वर शर्मा जो है, पंडित ताड़केश्वर शर्मा ये इनके पति हो गई। और इन्होंने सेकावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? सेकावटी। तो याद रखेंगे दोस्तों सेकावटी किसान आंदोलन में भाग लिया। ये प्रश्न भी आप याद कर लेना इसमें। और देखो इंदुमती गोयनका की यहाँ पर बात आई, तो ये कहाँ की रहने वाली थी इंदुमती गोयनका? तो ये जोधपुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? जोधपुर की रहने वाली थी। इन्होंने क्या किया 1930 में एक आंदोलन होता है, आप सभी को पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? इंदुमती गोयनका। इन्होंने 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय महिला समिति। प्रश्न याद रख लेना, इन्होंने 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विजयबेन भावसार। अब ये जो विजयबेन भावसार है कहाँ की थी भैया? विजयबेन बे से याना बांसवाड़ा की। कहाँ की थी दोस्तों? ये बांसवाड़ा की थी विजयबेन भावसार। और ये बांसवाड़ा प्रजामंडल की सहयोगी हम कह सकते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा की रहने वाली थी और बांसवाड़ा प्रजामंडल की क्या थी? ये प्रजामंडल की सहयोगी थी। ये भी याद कर लेना साथ में। और देखो मेन बात इससे इनसे ये बढ़ती है, इन्होंने क्या किया? प्रश्न पूछा जाता है महिला मंडल। ठीक है, महिला मंडल का गठन करने वाली महिला कौन थी? तो यही महिला थी। ठीक है, विजयबेन भावसार। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि अनाज आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला। तो ये प्रश्न भी आप इसमें याद कर लेना दोस्तों, ये है आपकी विजयबेन भावसार। तो श्रीमती दुर्गा देवी, इंदुमती गोयनका और विजयबेन भावसार। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये है आपके सामने लक्ष्मी देवी आचार्य। तो लक्ष्मी देवी आचार्य से संबंधित दो बातें याद रखनी है। देखिएगा, पति का नाम पूछे तो पति का नाम है इनका श्रीराम आचार्य। पति का नाम क्या है? पति का नाम है श्रीराम आचार्य। ठीक है, और लक्ष्मी देवी आचार्य की जो मृत्यु है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी, तो 1940 में। एक सत्याग्रह होता है, आपको पता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में मृत्यु हो गई थी इनकी, ये याद रखें। अब है श्रीमती अंजना देवी चौधरी, आपको याद रहना है कि इन्होंने क्या किया, एक तो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके अलावा बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, इन तीनों किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था, अंजना देवी चौधरी ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1939 में सिक्कर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो 1939 में सिक्कर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इन्होंने किया था अंजना देवी चौधरी ने, ये भी याद रखें। जानकी देवी बजाज की यदि बात की जाए, तो जानकी देवी बजाज की बात करें तो इनके पति का नाम है सेठ जमनालाल बजाज। कौन है पति का नाम, सेठ जमनालाल बजाज। और जरूरी बात इनकी ये है, इनकी एक आत्मकथा, वो क्या है, मेरी जीवन की यात्रा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1933 में भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, ठीक है, 1933 में भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने 1942 में गो सेवा सम्मेलन की इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने 1944 में, याद रखेंगे दोस्तों, देखिएगा आपको प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि जैसे विनोबा भावे भूदान आंदोलन के दौरान इन्होंने 108 कुओं का निर्माण भी किया था। ठीक है, आप याद रखें विनोबा भावे भूदान आंदोलन के दौरान इन्होंने 108 कुओं का निर्माण किया। कितने कुओं का निर्माण किया, 108 कुओं का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, और ये याद रखेंगे आप सभी, ये जानकी देवी बजाज से संबंधित याद रख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रमुख, ये नोट कर लेना आप सभी। नेक्स्ट ये है आपके सामने सुजा राजपुरोहित की बात करें तो हम सोए नहीं कई रातों से, आंखों से दरिया बहता है। तो इन्होंने क्या किया, मर्दाना वेश धारण करके लाडनू नागौर में अंग्रेजी सेना को परास्त किया। ये आपको याद रखना दोस्तों, परास्त किया। अब यहाँ पर हमने देखा था, देखिएगा थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने बात की झलकारी बाई झांसी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बाई का वेश धारण करके, यहाँ लाडनू नागौर नहीं करना है, ठीक है, वेश करके अंग्रेजी सेना को इन्होंने परास्त किया था झलकारी बाई ने। लाडनू नागौर तो आपके ये हो जाएगी दोस्तों सुजा राजपुरोहित। ठीक है, तो ये याद रखे बस। उसी प्रकार से देखो नगेंद्र बाला, तो पहली बात बनती इनसे, नगेंद्र बाला का जो जन्म है वो हुआ था आपके कोटा में, कहाँ हुआ था, कोटा में हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र की प्रथम महिला जिन्होंने महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। ठीक है, महिलाओं में क्या किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र की प्रथम महिला जिन्होंने महिलाओं में क्या किया था, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों नगेंद्र बाला संबंधित, देखिएगा इन्होंने क्या किया, कोटा में करणी निगम विकास परिषद की स्थापना इन्होंने की थी, परिषद की स्थापना की थी। 1945-46 की बात है, 1945-46, ठीक है, 1945-46 में इन्होंने क्या किया, एक एक्ट है, प्रेस एक्ट
फ्रेक्स एक्ट का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। ये भी आप याद कर लेना। और वही नगेंद्र बाला हैं जो आपके क्या थी, केसर सिंह बारड। नाम सुना होगा आपके सामने, क्रांतिकारी केसर सिंह बारड। तो केसर सिंह बारड की तो थी ये पोती। क्या थी? पोती थी, पोती। ठीक है। और प्रताप सिंह बारड की थी भतीजी। ठीक है। जो प्रताप सिंह बारड हैं, केसर सिंह बारड का पुत्र प्रताप सिंह बारड, तो प्रताप सिंह बारड बारड की ये क्या थी दोस्तों, इनकी तो थी पोती, प्रताप सिंह बारड की थी ये पुत्री। ये आपको याद रखना है, भतीजी थी तो इनकी पोती थी, इनकी क्या थी, भतीजी। हाँ, ये आपको याद रहा नगेंद्र बाला संबंधी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये है आपके सामने नारायणी देवी वर्मा। अब नारायणी देवी वर्मा से संबंधित आपको याद रहा है 1970 क्षेत्र में ये क्या रही, राज्यसभा की सदस्य रही, राज्यसभा की सदस्य रही, सदस्य रही। ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखना है कि नारायणी देवी वर्मा, इनके जो पति थे, पति पति का नाम है माणिकीलाल वर्मा। क्या है, क्या है दोस्तों, माणिकी, माणिकीलाल वर्मा, माणिकीलाल वर्मा, जिन्हें आप सभी को पता है क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी। ठीक है। तो मेवाड़ का गांधी कहा जाता है माणिकीलाल वर्मा को। ये इनके पति हैं, किसके, नारायणी देवी वर्मा के। नारायणी देवी वर्मा जब 20 वर्ष की उम्र में थी, 20 वर्ष की उम्र की थी, 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन आंदोलन के दौरान दौरान इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया। किस दुर्ग में कैद किया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्होंने, कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया, कैद किया गया। ये याद रखना आप सभी को। ठीक है। वही नारायणी देवी वर्मा हैं जिन्होंने अकाल सहायता समिति की स्थापना की, अकाल सहायता समिति, अकाल सहायता समिति की जो स्थापना है, समिति की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखेंगे आप सभी, नारायणी देवी वर्मा ने। ठीक है। और क्या है दोस्तों, 14 दिसंबर 1944 को इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी, महिला आश्रम। ठीक है। महिला आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी भीलवाड़ा के अंदर। ये याद रखे। बाकी रतन शास्त्री के बारे में बात करें तो रतन शास्त्री का जो उपनाम है, उपनाम ये कई बार पूछा जाता है, तो इनका जो उपनाम है वो है वात्सल्य की मूर्ति। क्या है? वात्सल्य, वात्सल्य की मूर्ति, ये इनका उपनाम है, याद रखेंगे। किसका? ये रतन शास्त्री का। कहते हैं रतन शास्त्री के जो पुत्री थी, पुत्री 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 का नाम था शांताबाई। क्या था? शांताबाई। तो रतन शास्त्री क्या करती है, इस शांताबाई की स्मृति में 1935 के अंदर ये कुटीर की स्थापना करती है, उसका नाम है शांताबाई कुटीर। क्या है? शांताबाई कुटीर, ये याद रखेंगे। और शांताबाई कुटीर का नाम बदल दिया जाता है कब, 1942 में। कब? 1942 में इसका नाम बदल कर दिया जाता है वनस्थली विद्यापीठ। क्या कर दिया जाता है? वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, बस ये याद कर लेना। तो ये थी अपने प्रमुख प्रसिद्ध महिलाएं, ये नारायणी देवी वर्मा, ये रतन शास्त्री। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने मैंने करवा दिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये आपके, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेते रहे, देखिएगा। ये आपके सामने अगला पेज, सुजा राज पुरोहित, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका फटाफट, ये देख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी अपने क्लास राजस्थान की प्रमुख प्रसिद्ध महिलाएं जो हमने कवर की एक ही वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से नोट्स बनाई, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।